सर गुलाबी सुंडी का हमला हो रहा है, फसलों के उपर बहुत ज्यादा किसान दूरी मार पै रही है। पहला कानूनों की मार पैगी, हूँ फसलों का नुकसान हो गया, की कहना थोड़ा जी? बिल्कुल जी, बड़ा दुखदाई है। नरमे की बहुत वधिया फसल थी, 6 तो 7 फुट उच्चे साढ़े फसल लहरा रही थी, बहुत टिंडे लगे हुए थे, पर जो उन्हें टिंडिया चुगन की बारी आई, जो फसल पक्कन की बारी आई तो वह देखा वो गुलाबी सुंडी का हमला है, जिदे फसल लगभग पूरी तरह तबाह हो चुकी है। और असी सरकार तो मंग करते हैं कि किसान नू जिहड़ी उहदी फसल का नुकसान होया उहदा बनदा मुआवजा दिता जाए, मजदूर नू मुआवजा दिता जाए, और जो व्यापारी वर्ग का नुकसान होया उहनू भी मुआवजा दिता जाए। सही गिरदवारी करा के जो सही हकदार ने उन्होंने मतलब वो जो उन्होंने नुकसान है सरकार उसकी भरपाई करे, क्योंकि पहले ही तिने काले कानूनों करके उस तो बाद करोना करके साडा किसान बॉर्डर से बैठा है, पहले ही उन्होंने फसलों का होर माली नुकसान बहुत ज़्यादा हो रहा है। सो असी बेनती करते हैं चन्नी साहब जो नवे मुख्यमंत्री बने हैं वो आम लोगों के कहें मैं मुख्यमंत्री हाँ तो आम लोगों की समस्यावान आ के सुन और बनता मुआवजा किसान मजदूर तो व्यापारी भी दिता जाए। सर चन्नी तुसी पहला भी जिक्र करता भी आम आदमी है, वह कहता भी असी आम आदमी असी हाँ गे, आम आदमी तो भी होर कोई है नहीं गा, तुसी इहदे बारे की कहोगे जी? देखो कहनी तो कथनी च फर्क है, जैट जहाजा की सवारी करना और बार बैठ के चाह दियाँ चुस्कियां लैना और इस तरह शेरो शेरी करना, इहदा लोगों नूं पता है भी कौन आम आदमी है, इह कहन की कोई सानूं जरूरत नहीं। साडे पंजाब दे लोक है बड़े समझदार ने, वह किसी भी इस तरह के भुलेखों नहीं आउणगे, क्योंकि अज आम आदमी बन के और जैट जहाजा की सवारी करके कोई आम नहीं बन जाता। आम आदमी अपने कामों तो जोड़े उन्होंने डीज है वह तो ही पहचाने जाता, जो एक्शन है उस तो पहचाने जाता, और कहने कोई आम आदमी नहीं बन जाता। सर सू यकीन लगता भी हम कुछ वादे कैप्टन साहब ने किए थे भी चन्नी साहब आ गया हम पूरे हो जाएंगे? देखो ये तो बहुत साफ है जी, कैप्टन साहब न हटाई इन्होंने ता है कि वह वादे पूरे नहीं कर सकेंगे, असी सारा क्लेम है मतलब कैप्टन साहब के गल च पा के असी सुरखरू हो जाएंगे, असी गंगा नहाएंगे, पर लोग एडे मूर्ख नहीं, पिछले बार थोड़े भुलेखों आ गए पंजाब के लोग, इस बार थोड़े भुलेखों नहीं आएंगे। उन्होंने सब नूं पता है भी भावें अकाली कांग्रेसी पहला रले हुए सी, उन्होंने आम आदमी पार्टी नूं सत्ता तो दूर रखने लिए किसान जिहड़ी उन्होंने सब नूं सामने है, हुण जिहड़े आपके फेलर ने 4.5 सालों कुछ नहीं कर सके वो कैप्टन दे अपने सिर मरदांगे, पर लोग इन्हां भुलेखां च नहीं आउणगे। सर अकाली दल का बसपा नाल समझौता है, तुहाडा भी किसी पार्टी नाल समझौता हो सकता जां बसपा दा समझौता किवें गिणदे हो अकाली दल? कोई ना कोई फर्क नहीं पैंदा, उन्हां दा इंटरनल मामला, उन्हां दा अंदरूनी मामला है, किसी नाल भी पार्टी नूं किसी नाल समझौता करन दा हक है, पर यह सारा साफ है भावें बसपा है भावें अकाली है भावें बीजेपी है भावें कांग्रेस है, लोगों ने मन बना लिया एक नवी सरकार बनाउण दा, पंजाब च एक नवी सवेर आ रही है, आम आदमी पार्टी की सरकार बन जा रही है, इहदे च कोई शक नहीं। खेतों चुना टिंडे तोड़ के लियाए ने जोड़े तो सामने पे ने, यही आम आदमी पार्टी का बड़ा एक्शन है, पर जेकर हजे भी साढ़े आम मुख्यमंत्री जोड़े चन्नी साहब जिमें मतलब अजक शो कर रहे हैं भी मैं आम मुख्यमंत्री हाँ, जे वो कोई एक्शन नहीं लेंगे वो PAU के डॉक्टर की टीम इन्ह खेतों नहीं भेजते भी की कारण है सूडी पैन का, जेकर वह इन्ह गिरदावरी करा के मुआवजा नहीं देंगे, वह किसानां दी मजदूरां दी व्यापारियां दी बांह नहीं फड़दे, तां आम आदमी पार्टी ऐसे एक्शन नूं वड्डा करू, जिवें भी साडे MLA साहब उत्ते हाईकमांड नाल गल करनगे, जो भी सानूं हाईकमांड दा हुक्म होऊगा असीं उसे तरह ही स्टैप लैके चलांगे, पर हाँ असीं इन्हां किसानां नूं जिन्हां दी नरमे दी फसल बर्बाद हो गई इन्हां नूं खुदकुशी करन नहीं देवांगे, इन्हां नूं सरकार तों मुआवजा दवा के दम लवांगे, साड़ी पूरी टीम साडे जिला प्रधान साहब हलका इंचार्ज लगातार किसानां दे नाल राबता बनिया होया, दुबारे फिर एक तो देखो कुदरत की मार बहुत वड्डी पै रही है लगातार, उधरों तो फसल है फुल बुग्गी लगन का समय, उधरों बरसात होके उही फुल झड़ी जांदे ने, जिहड़े टिंडे लगे आ उन्हां दे विच गुलाबी सुंडी पै गई, पहला तो कुदरती किसानों मार रहा है तो उधरों सेंटर सरकार कार्य कानूनों मार रही है, तो हूँ जिहड़ा नकली बी बेच के पंजाब दे विच इत्थे इह नकली फसल तैयार की जा रही है, उहदे विच साडे हलका इंचार्ज साडे MLA साहब साडे प्रधान जी
असी लगातार किसानां नाल राबता बनाया ते जिहड़ा भी भविख दे विच आउण वाले दो चार दिनां च कोई प्रोग्राम बनूगा उहनूं आम आदमी पार्टी नपेरे चढ़ाऊ अते किसानां दे मोढे नाल मोटा ला के खड़ेगी। गुरप्रीत जी जे गल कीती जावे हल्के की, तुसीं सरदूलगढ़ हल्के दे विच जिहड़ी मार बहुत ज़्यादा पई है ना, ते तुहाडे की विचार ने भी की जिहड़ियां सोधां होणियां चाहीदियां ने भी जिहड़ा किसान खुशहाल हो सके, क्योंकि बैनर तां जगह जगह लगे ने, पंजाब सरकार तां बैनर दे राही जिहड़े दावे कर रही है भी किसान जिहड़ा खुशहाल है, की कहोगे? एक पासे तां सरकार कह रही है कि फसली विभिन्नता लैके आउंदा ते जिहड़ा हैगा कणक जीरी दी जिहड़ी हैगी आ फसल उहदों खड़ा छड़ाओ। जे अज किसान जीरी वाले पास नरमे वाल तुरे सी, पहला भी इन्होंने कोशिश की सी कि जिनी नरमा बेल्ट आ कि नरमे तो शायद सानू आमदन हो जाए, जीरी छड़ दिए, साडे जिहड़ा धरती हेठला पानी आ साडे एरिए दे विच बहुत माड़ा, ते टेलां ते असी पैण करके सरदूलगढ़ एरिए दे विच नहरी पानी भी नहीं आउंदा, बहुत वड्डी समस्या, नीचे वाला पानी माड़ा, पर महंगे तेल बाल के आपदी हिम्मत करके नरमे की फसल पाली सीगी। जो नरमे की फसल पाली, इस तो पहले एक बड़ा मीह पै गया, मीह के नाल भी बहुत सारे पिंडा दे विच नरमे की फसल मारी गई, असी मैमोरेंडम दिते डीसी साहब नूं दिते, मौके ते जाके गए, उस टाइम भी कोई सरकार की अख नहीं खुली, ना कोई मुआवजा दिता गया, मुआवजा तो कई दिन कोई गुरदौरी तक नहीं हुई। हुण समुचे मैं कहना कि कल्ले सरदूलगढ़ चढ़ी मालवे इलाके दे विच ये फसल मारी गई है, जिथे जिथे नरमा बीजा होया, नरमे का वेखन बहुत वधिया बाहरों टीडे लगते हैं कि जिस तरह तुसीं वेखोगे कि हरे हरे दिखाई देते हैं, पर जो किसान उसनों खोलता गा जाके टीडे तो बिच कॉटन भी खत्म आ, बड़ेवा भी खत्म आ, अज आ हालात बने हुए ने, तो उत्ते खर्चा किन्ना किन्ना आ गया, भावें बीजा तो लै लो, स्परे तो लै लो, पानी रमाउण तक महंगे डीजल बाल के उन्होंने फसल पाली सी। साडी इक्को मंग आ कि जिहड़ियां कंपनियां ने नकली बीज बेचिया गा, नकली बीज आया गा पंजाब दे विच, किहदी मिली भुगत ना आया, अधिकारियों की मिली भुगत ना आया, सरकार की मिली भुगत ना आया, नकली बीज बेचण वालियां कंपनियां के खिलाफ कार्रवाई की जाए, जिहड़े अधिकारी ते सरकार दे अफसर इहदे लई जिम्मेवार आ, जां सरकार दे मंत्री जिम्मेवार आ, जिन्हां ने अखां खोल के उन्हां नूं मानता दित्ती आ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜਦੋਂ ਵੀਹ ਸਾਰਾ ਨਕਲੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਰਲੇ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ, 60,000 ਰੁਪਇਆ ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ, 20,000 ਰੁਪਇਆ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਚਕਾਈ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਆਪਦੀ ਛੱਤ ਬਦਲਣੀਆਂ, ਵਿਆਹ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ, ਆਪਦੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣੇ ਆ, ਫੀਸਾਂ ਭਰਨੀਆਂ, ਕੱਪੜਾ ਖਰੀਦਣਾ ਗਾ, ਕੋਈ ਪਸ਼ੂ ਡੰਗਰ ਖਰੀਦਣਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਣਗੇ? ਕੋਈ ਫਸਲ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜੇ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨਾ ਕਰੂੰ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੂੰ? ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਤੁਸੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਵੀ ਲੜਾਂਗੇ, ਦੋਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਜੇ ਚਾਹ ਦੀਆਂ ਚੁਸਕੀਆਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜੋ ਆਪਦਾ ਕੰਮਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ 'ਚ ਗੇੜਾ ਮਾਰੋ, ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਮਾਨਸਾ 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਨਾ, ਮੌੜ ਮੰਡੀ ਮਾਨਸਾ 'ਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾ, ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਹਿਬ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਨਾ, ਬੁਲਾਡਾ ਕਿੱਥੇ ਜੇ ਆ? ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ, ਬੁਢਲਾਡਾ, ਮੌੜ ਮੰਡੀ, ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਏਰੀਏ ਨੇ, ਬਠਿੰਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਏਰੀਏ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਆਓ, ਆ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਫੜੋ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚਾਹ ਦੀਆਂ ਚੁਸਕੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਲੰਘੀ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤ ਜਾ ਕੇ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ ਮਿਲਦੀ, ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਚਾਹ ਪੀ ਕੇ ਕੀ ਕਰੂੰ, ਗੁੜ ਸਾਨੂੰ ਗੁੜ ਚਾਹ ਆਊਗੀ ਕਿੱਥੋਂ? ਸੋ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰੀ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ, ਯੋਗ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਬਣਦੀ ਦੋਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀ ਡੀ ਵੀ ਗਲਤ ਦਿੱਤਾ ਗਾ, ਜਾਲੀ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹੀ ਮੰਗ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ, ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ 30 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਟਨ ਬੈਲਟ ਅਬੋਹਰ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਬੁਢਲਾਡੇ ਤੱਕ ਕੋਟਨ ਬੈਲਟ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਲਗਭਗ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਨੇ ਤਬਾਹ ਕਰਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਇਸ ਤੋਂ ਕਬੀਲਦਾਰੀ 'ਚ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਮੈਰਿਜ ਕਰਨ ਦੇ ਘਰ ਪਾਉਣੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਦਰਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਸਦਰਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਏਰੀਏ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ, ਗੁਰਦਾਵਰੀ ਕਰਾਉਣ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪਰ ਏਕੜ